गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इतना ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट जो कि आप देख एकदम स्टॉक्ड हो जाओगे। एंड बहुत ही कम, यानी 3 से 4 प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। बहुत ही कम प्रोडक्ट से हम पूरा अपना मेकअप करेंगे, वो भी एक बोल्ड मेकअप, पार्टी मेकअप, जो कि देख के आप खुद एकदम से ज्यादा खुश हो जाओगे। ऐसा मेकअप रहेगा, बहुत ही सुंदर मेकअप होने वाला है। तो चलिए फिर, वन ब्रांड मैंने यहाँ पे यूज कर रही हूँ सिर्फ मैं, उसके बाद मैं प्रोडक्ट भी बहुत कम यूज करूंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस मेकअप ट्यूटोरियल, यहाँ मैं अपनी स्किन को अच्छे से मैं स्किन केयर कर चुकी हूँ। स्किन में मैंने फेस वॉश कर लिया, मॉइस्चराइजर भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन अब बारी आती है हमारे मेकअप की, जो कि इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी वन ब्रांड मेकअप, वो भी बहुत ही कम चीज़ें यूज करके हम अपना फुल मेकअप करेंगे। वो मेकअप आप पार्टी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अगर नॉर्मल कर रहे हो नेचुरल मेकअप तो वो भी आप कर सकते हो, लाइट मेकअप भी कर सकते हो। एंड चलिए फिर इस मेकअप को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा जो होगा, यहाँ पे मैं लाइट मेकअप करूंगी, अफोर्डेबल करूंगी, तो इसीलिए हम वन ब्रांड में सब कुछ बहुत ही सस्ती और बहुत ही कम चीज़ें यूज करके मैं मेकअप करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है। तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन को स्किप कर दिया क्योंकि ये अफोर्डेबल मेकअप है, नेचुरल बहुत ही अच्छा मेकअप है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। आप देख लो, यहाँ कोई फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रही मैं, यहाँ कंसीलर से मेकअप करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा सा पार्टी मेकअप होगा, बहुत ही कम प्राइस में है। एंड मैं इसकी प्राइस आपको बता दूँ तो ये आपको 149 यानी 150 रुपए में ये आपको कंसीलर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जो कि आपके फाउंडेशन का वर्क करेगा, आपकी स्किन में एक मैट लुक देगा, फिनिश करेगा अच्छे से, फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन आपकी होगी। तो चलिए फिर इसको हम अप्लाई करते हैं एज अ फाउंडेशन। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत हल्का मेकअप करना है। एज यू कैन सी गाइज, लाइक दिस, इस तरह से आप जो है कंसीलर को अपनी स्किन में अप्लाई कर लो। एंड इसके बाद इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया हुआ है। ये भी आपको 49 यानी 50 रुपीज में मिल जाएगा। तो सब कुछ मैंने अफोर्डेबल ही लिया हुआ है। तो अगर आपको प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसे प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप ये सारी इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो ऑनलाइन। एंड अगर ऑफलाइन भी आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये देखो मैंने किस तरह से इसे ब्लेंड कर लिया, पूरे फेस पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लो ताकि आपका फाउंडेशन वाला पूरा फेस एक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। का सबसे अच्छा फायदा हमारा ये होगा कि जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क एरियाज हैं हमारे अंडर आईज में, डार्क सर्कल्स जो भी हैं, ये सब कुछ हाइड हो जाएगा एंड ये कंप्लीट आपको मैट लुक देगा। आप देख ही सकते हो कितना ग्लोइंग सा, फ्लॉलेस सा हमारा स्किन हो चुका है फाउंडेशन वाला, बहुत ही अच्छा सा मेरा टेक्सचर भी हो गया है स्किन में एंड फेयर भी हो गई हमारी स्किन। तो कंसीलर का ये वर्क बहुत ही अच्छा रहा है। तो चलिए फिर इसके बाद हम थोड़ा सा लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करेंगे। तो गाइस, कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है स्विस ब्यूटी का ये ऑयल कंट्रोल 2 in दिस सेट नेचुरल न्यूट 03। आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। एंड इसकी प्राइस की मैं आपको बात करती हूँ तो गाइस ये थोड़ा सा महंगा है, बट ये सच में बता रही हूँ, अगर इसको आप एक बार ले लोगे तो बहुत दिनों तक ये चलने वाला है। अफोर्डेबल भी है, 299 का यानी 300 में ये आपको मिलेगा। बट इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि आपको ये 2 सेट में मिल जाएगा, जो कि बहुत दिन तक आराम से चल सकता है। तो मैंने इसको बहुत दिन पहले लिया था एंड आज तक ये मेरा चल रहा है, जिसका मतलब है जितना थोड़ा सा अगर एक्सपेंसिव है तो उतना ज़्यादा ये वर्क भी देगा, मतलब ये वर्थ इट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर परचेज करना। एंड दैट्स इट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने ब्लश की, लिपस्टिक की और आई शेडो की। तो गाइज यहाँ पे मैं 3-in-1 वाला काम करने वाली हूँ क्योंकि मैंने यहाँ सी गाइज ये मैंने लिपस्टिक लिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है। एंड इसके शेड की बात करूँ तो मैं ये 14 पॉप रेड है, आप देख सकते हो उसका शेड बहुत ही अच्छा है। एंड यू कैन सी द कलर ऑफ दिस लिपस्टिक, बहुत ही अच्छा रेड है। एंड इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा ये, काम करने वाला है हमारे ब्लश का, आई शेडो का एंड हमारे लिपस्टिक का। तो गाइज आप सोच सकते हो ये 3-in-1 वर्क कर रहा है। अगर आप इस तरह से कोई भी 99 का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर इसको लगा लोगे आप। ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड बिल्कुल भी फैलती नहीं है आपकी स्किन में। एंड इसका सबसे पहले मैंने यूज़ करना है एज अ ब्लशर। तो ये वाला मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही अच्छे से पार्टी मेकअप के लिए भी। एंड अगर नेचुरल रखना है तो हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी लाइट ही यूज़ करो, बट मैं यहाँ पार्टी मेकअप कर रही हूँ तो पार्टी मेकअप के लिए आप थोड़ा सा हैवी कर सकते हो मेकअप को। एंड इतनी चीज़ें प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ इतना काफ़ी है हमारे मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए।
तो मैं थोड़ा सा नोज पे जरूर लगाऊंगी ताकि शायद हमारा नोज प्रिटी लगे। एंड देन आई शेडो के लिए मैं इसको आईज पे थोड़ा सा इसको अप्लाई कर दूंगी। एंड दैट्स इट। उसके बाद ये हमारी लिपस्टिक है, तो लिपस्टिक मैं इसे अच्छे से लगा लेती हूँ क्योंकि ये लिपस्टिक है लिक्विड वाली, तो ये लिक्विड लिपस्टिक बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। एंड आप देख सकते, एंड आप ये देखो बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड हो जाने के बाद कितना क्लियर लग रहा है हमारा ब्लश। ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं ब्लेंड करना चाहते हो आईशैडो को, तो आप अपने फिंगर्स के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लो, ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। आपको कोई भी ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फिंगर से बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं आईशैडो को लगाने के लिए। आईब्रोज के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल इन दिस शेड ब्लैक, आप देख सकते हो। एंड इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 99 रुपीज़ में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ब्लैक है ये, जेट ब्लैक है। एंड काफ़ी अच्छे से इसमें अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही अच्छा सा एक स्पूली है, ब्रश है जिससे आप अपने आईब्रोज को अच्छे से ब्रश कर सकते हो। तो थोड़ा सा आईब्रो को फिल करो एंड उसे ब्रश करो अच्छे से। तो इसका भी 2-3 यूज़ होने वाला है, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ उसका क्या क्या यूज़ है। पहला यूज़ हमारा यही है कि इसको मैंने आईब्रोज को अच्छे से फिल करना है। एंड ये आईब्रो बहुत ही अच्छे से फिल इन हो गया, थोड़ा बोल्ड आईब्रो रखेंगे हम क्योंकि हमें पार्टी मेकअप करना है। तो इस तरह से आप आईब्रो को अच्छे से थोड़ा सा डार्क में फिल इन कर लो। इसके बाद इसका जो यूज़ होने वाला बहुत ही गजब का यूज़ होगा, इससे आप आईलाइनर बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। बिल्कुल वैसा आईलाइनर जो कि स्मोकी आईज पे बहुत ही अच्छे से परफेक्ट लगता है, तो वो वाला आईलाइनर हम लगाएंगे। इस तरह से अपने आईज पे लगाने के बाद इसको अपने फिंगर से अच्छे से स्मर्श कर दो उसी पे। इस तरह से करने से आपकी आईज जो है बहुत ही अच्छी लगने वाली है एंड ये आपकी स्मोकी आईज हो जाएगा, स्मोकी आई शेडो आपका कंप्लीट हो जाएगा जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे आई शेडो मैंने कितनी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लगाने वाला है मस्कारा, तो मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके स्किन पे, तो ज़रूर से ज़रूर थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई कर लेना। तो यहाँ मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का ब्लैक मस्कारा, आप देख सकते हो। एंड इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसकी प्राइस 249 है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बहुत, बट एक बार लेने के बाद वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मस्कारा ज़रूर अप्लाई कर लो अपने अपर लैसेज एंड लोअर लैसेज पे। एंड दैट्स इट गाइड, तो आप देख सकते हो हमारा फाइनल मेकअप कितना ही फ्लॉलेस हुआ है, कितना ज़्यादा ग्लोइंग हुआ है और बिल्कुल भी चिपचिपा सा, पैची सा, केकी सा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर एक दो चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है तो एक बार अगर उस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बहुत ही अच्छे से चलेगी एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कितने अफोर्डेबल प्राइस में एंड कितने कम प्रोडक्ट में अपना मेकअप कर लिया है। सो यू कैन सी गाइज कैसा लगा आपको, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो, तभी इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग देख सको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।